क्या आप अपने फाइनेंस को लेके परेशान हैं? क्या आप अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो? और क्या आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे? सो फ्रेंड्स, अगर ये सब सही आप चाहते हो तो मैं सोमनाथ आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो में, जहाँ पे मैं सोमनाथ एक मोटिवेशनल स्पीकर, वेलनेस कंसल्टेंट एंड योर पार्टनर ऑफ सक्सेस, मैं आपको गाइड करूंगा कि कुछ बदलाव, थोड़ा सा बदलाव अगर आप अपने लाइफ में कर सकते हैं, कुछ हैबिट अगर आप डेवलप कर सकते हैं, तो आपका जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस है उस चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि सबसे पहले आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए और वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट अपना जरूर दीजिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक मल्टी मिलेनियर ऑथर है, जो कि बहुत सारे बेस्ट सेलर बुक्स लिख चुके हैं, लेकिन उसका जो टॉप बुक्स है रिच डैड पुअर डैड, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये जो 10 पॉइंट आप दिख रहे हो, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अगर ये 10 चीज आप सीख लो या आप अपने बच्चों को सिखा दो, तो उनका फाइनेंस बहुत अच्छा स्ट्रांग हो सकता है, उनको एक फाइनेंशियल इम्यूनिटी उनका स्ट्रांग हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ लेसन नंबर 1, लर्न टू लिसन। फ्रेंड्स, सुनना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले ने कान धो दिया है, एक मुंह बे है, सुनना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में किसका सुने, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आपके पास आया है, तो उस प्रॉब्लम से आप सुनने का कोशिश करो, वो प्रॉब्लम आपको चिल्ला चिल्ला के क्या सलूशन देने का कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम जब आता है, वो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज, कुछ ना कुछ सीख लेके आते हैं। अगर वो सीख जो आपको वो प्रॉब्लम से आपको सुनना है, अगर आप वो सुन लो तो वो प्रॉब्लम चला जाएगा। और इसके लिए आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि ये प्रॉब्लम क्या सिखाने के लिए मेरे पास आया है, क्या सीख मैं इस प्रॉब्लम से सीख सकता हूँ। अगर ये सुनने का आप हैबिट बना लो, तो आपका फाइनेंशियल चैलेंजेस आपका आना बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, और आएगा भी। आप उस प्रॉब्लम से अपना लेसन ले लोगे, अपना जो सीख है वो लिख ले लोगे, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। और जब तक वो प्रॉब्लम से आप सुनोगे नहीं, उस प्रॉब्लम का सुनोगे नहीं, उस प्रॉब्लम से सीखोगे नहीं, वो प्रॉब्लम चिपक के बैठा रहेगा आपके लाइफ में। और जब तक जब आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुन लो, सुनना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे चला जाता है। तो लर्न टू लिसन। और अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रहा है, आप किसी एक्सपर्ट के साथ बात कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम से अपना सोल्यूशंस, या हाउ यू मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ, वो हम आपको गाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेसन जो है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप 99% लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको अगर सैलरी मिले, उनको अगर कुछ पैसा आए, वो पहले शुरू में ही पहले दूध वाले को, फिर न्यूज़पेपर वाले को, फिर केबल वाले को, फिर बच्चों का स्कूल फीस, सब देने के बाद उनको लगता है, सब देने के बाद जब बच जाएगा तब मैं अपने लिए कुछ पैसा सेविंग कर लूँगा, तब मैं अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। कभी नहीं होता फ्रेंड्स, कभी भी नहीं होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच, आपको पहला जो चीज़ करना है वो है पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी आपको सैलरी मिले, इनकम मिले, उसका 10-20% आप अपने लिए हटा के रखो। ये हैबिट आपको डेवलप करना है अगर आप फाइनेंशियली इम्यून होना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आज से पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी आपको सैलरी मिले, कुछ इनकम आए, तो आप ऑटोमेटिकली उसको अपना 10-20% आप हटा के रखो। नेक्स्ट जो पॉइंट आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, इनका पॉइंट नंबर 3 इज बाय लक्सरी लास्ट नॉट फर्स्ट। लक्सरी, अगर लाइफ में सब कोई लक्सरी लाइफ लीड करना चाहते हैं, लक्सरी लाइफ लीड करने के लिए आपको जो चाहिए वो है, आपको लक्सरी टूल्स चाहिए। लेकिन अगर शुरू में आप लक्सरी टूल खरीद लोगे, तो आप में आपके लाइफ में जो नेसेसिटी जो है, जो नेसेसरी टूल्स है, वो हट जाएगा। फ्रेंड्स, ऑलवेज लक्सरी लास्ट में खरीदिए, पहले एसेट खरीदिए।
सो आज से ये कमिट करिए अपने आप से कि पहले ही लक्जरी, अगर पैसा आ जाए तो कैसे एक मोबाइल अच्छा खरीद ले, कैसे एक अच्छा टैब खरीद ले, कैसे एसी खरीद ले, कैसे वो खरीद ले, वो लक्जरी को खरीदना बंद करिए। लक्जरी लास्ट में खरीदिए, पहले अपने एसेट खरीदिए। नेक्स्ट, रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज। यस फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस को कम करना आपको कम करना है, एक्सपेंसेस को कम करना बहुत जरूरी है। और एक्सपेंसेस को अगर आप कम करेंगे तो आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में आगे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप 10 रुपया भी हर दिन का बचा लेते हो तो साल में आप कैलकुलेट करो कि करीबन आप 30,000-35,000 रुपीस आप बचा पाओगे, अगर 10 रुपया भी दिन में बचा लो। और ऐसा ही कितना पैसा हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, और कभी कभी तो फालतू का खर्चा करते हैं। सो थोड़ा बहुत अपने एक्सपेंडिचर पे आप लगाम लगाओ, और उसके साथ साथ अपने लाइबिलिटीज, जो भी आपके लाइफ में लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी को कम करो, क्योंकि लाइबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा लेके चला जाता है। एसेट क्रिएट करो जो आपके पॉकेट में पैसा ले आता है। सो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट्स आपके साथ बताऊंगा, एम फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट। यस, एसेट फ्रेंड्स वो है जो आपके पॉकेट में पैसा लेके आता है। जैसे आपने एक फ्लैट खरीदा, वहां उस फ्लैट में आपने रेंट लगा दिया, वहां से आपको हर महीने रेंट मिल रहा है, तो दैट इज योर आप एसेट वो फैट, और उसका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कहीं पे जमीन लिए, प्लॉट लिए, वहाँ पे कुछ प्लांटेशन कर दिए, और फिर 10 साल 20 साल बाद जब आप वो प्लांट, जमीन का भी वैल्यूएशन बढ़ेगा, प्लांट जो लगाया है वो पेड़ को भी बेच के आपको पैसा आएगा, और उसके साथ साथ जमीन का वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा। सो ऐसे कुछ एसेट पहले खरीदिए, पहले ही हम लोग लाइबिलिटी खरीदने के लिए मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑलवेज गो फॉर द एम फॉर द वैल्यूएबल एसेट, और एसेट जितना वैल्यूएबल होगा उतना आपको रिटर्न भी दे सकता है। इसके लिए भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। बी इन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, आपके इमोशंस को। हम लोग कभी भी पैसा आता है तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, चलो इसके लिए कपड़ा ले लेते हैं, चलो इसके लिए ये ले लेते हैं, उसके लिए वो लेते हैं, उसके लिए जेवर ले लेते हैं। थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखिए, क्योंकि फाइनेंस वो मैटर है वो दिल से नहीं दिमाग से चलता है। तो इमोशंस को थोड़ा आप सरफेस करिए, और अपने फोकस जो है वो अपने फाइनेंशियल गोल या टारगेट पे रखिए। सो मेरा सिक्स पॉइंट जो सिक्स रॉबर्ट की कियोसाकी आपको बताता है, रिच डैड अपने अपने बच्चों को सिखाता है कि बी कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। जो नेक्स्ट जो लर्निंग है, जो पॉइंट नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक अमीर बाप अपने बेटे को सिखाता है, वो वर्क टू लर्न डोंट वर्क टू अर्न। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों को बोलता है बहुत अच्छा पढ़ाई करो, नौकरी मिलेगा, नौकरी करना है, मतलब शुरू से बच्चे को कंडीशन डालते हैं तुमको कमाने के लिए सीखना है। नो फ्रेंड्स, आप फोकस करो लर्निंग में, क्योंकि लर्निंग वो चीज़ है, अगर आप लर्निंग करोगे तो एल बाद में रिमूव हो जाएगा और अर्निंग ऑटोमेटिक होगा। वो थ्री इडियट्स का डायलॉग है, बच्चा काबिल बन कामयाबी तो छक मार के आएगा। यस, एक अमीर बाप हमेशा अपने बेटे को वही सिखाता है कि बच्चा काबिल बन कामयाबी तो छक मार के आएगा। आपको भी अपने बच्चों को वही सिखाना है, वर्क टू लर्न डोंट वर्क टू अर्न। लाइक सीख क्या रहे हो, अगर आप किसी सब्जेक्ट में हो, अगर से फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग से ये मत सोचो कि पहले एक महीने में आपको कितना, एक महीने में, एक साल में कितना इनकम आ रहा है, एक महीने में, एक साल में कितना सीखने को मिला, उसमें फोकस लगाइए। अगर आप इनकम में फोकस लगाते हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे। आप सोचो, जो लोग आज ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई सेलिब्रिटी है, वो उस प्रोफेशंस में, वो पहले उसने उसने फोकस रखा सीखने के ऊपर, फिर उसका अर्निंग ऑटोमेटिक आता गया। सो आपको भी अपने बच्चों को सिखाना है, वर्क टू लर्न डोंट वर्क टू डोंट वर्क टू लर्न। सो बिकम यू बिकम व्हाट यू स्टडी। यस फ्रेंड्स, रीड अ लॉट। यस, मैं हमेशा मानता हूँ कि व्हाट एक्सरसाइज इज फॉर बॉडी, रीडिंग इज फॉर माइंड। अगर आप अपने बॉडी को स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो, स्ट्रेंथन देना चाहते हो, अच्छा बॉडी बनाना चाहते हो, तो आपको बॉडी बिल्डिंग करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। सिमिलरली अगर आप अपने ब्रेन को डेवलप करना चाहते हो तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। रीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स। अगर आप अपने लाइफ का लीडर बनना चाहते हो, आपके लाइफ में अगर आप आगे जाना चाहते हो, सो बी अ गुड रीडर, अच्छी किताब पढ़िए।
अच्छे किताब पढ़ने से आपके ऑटोमेटिक हैबिट्स बदलते हैं, आपके अंदर वो नॉलेज आते हैं। एक किसी ने मान लो किसी ने 5 साल एक किताब लिखा या 2 साल किताब लिखा, उसके 30 साल का तजुर्बे को 5 साल में वो किताब में डाल के आपके पास दे रहा है, हो सकता है 7 दिन के अंदर वो नॉलेज आपको मिल जाए। उसके 30 साल का नॉलेज आप 7 दिन के अंदर ले सकते हो, ऐसा पावर रहता है किताब में। सो ऑलवेज स्टडी, स्टडी अ लॉट। Reinvest excess cash generated by assets. जो भी excess cash आ रहा है, जो भी extra income आपके पास आ रहा है, जो भी extra आपको आ रहा है, उसमें asset खरीदिए ताकि आपके पास asset से और भी पैसा आए। ये बच्चों का habit डालिए। हम लोगों के पास extra पैसा आते हैं तो हम लोग ये खाने चले जाते हैं, ये करने चले जाते हैं, बहुत बढ़िया, वो भी important है, लेकिन पहले आप करिए वो है asset। कैसे? Asset generate करिए। अगर आपके पास 1 लाख का extra income आ रहा है तो आप 20-25 हज़ार पहले उसमें आप क्या करिए, उसमें से 50% हो, 60% हो, पहले उसको इन्वेस्ट करिए कुछ दूसरा एसेट खरीदने में, और बाकी जो पैसा बच गया है उस पैसे से आप क्या करो, आप बाकी जो अपना लाइफ में जो आप एंजॉय करना चाहते हो वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक्स्ट्रा पैसे का 100% एक्सपेंसेस मत करिए, एसेट खरीदिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जिनके साथ घुल मिल रहते हो वही आप बन जाते हो। You are the average of 5 people you are spending your time or your day. अगर जो 5 लोगों से आप अपना जिंदगी का जो भी दिन है दिनचर्या बिताते हो, उन 5 लोगों का ही सारांश हो आप, उन 5 लोगों का ही एवरेज हो आप। सो इसीलिए सराउंडेड yourself with the people smarter than you. जो आपसे स्मार्टर है, जो फाइनेंशियली स्ट्रेंथ रखते हैं, जो रिच है, जो अच्छे डिसिप्लिन है, जो सक्सेसफुल है, जो पॉजिटिव माइंडेड है, उन लोगों के साथ अपने आप को हमेशा जुड़ के रखिए। अच्छे संगत में हमेशा आपका लाइफ बदलता है। अगर आप अच्छे संगत रहेंगे, अगर आप मिलेनियर बिलेनियर के साथ मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो भी हैबिट आएगा और आपको मिलेनियर और बिलेनियर बना सकता है। फ्रेंड्स, संगत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। एक बार आज सोच के देखिए कौन सा संगत आपको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बच्चों का भी, अगर आपके बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, थोड़ा उसके दोस्तों के साथ आप भी बात करना चालू करिए ताकि कम्युनिकेशन बनेगा कि कैसे फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं, क्या उसका कल्चर है। और हमेशा अपने बच्चों को भी वही सिखाइए कि उनसे मिलो जो आपसे थोड़ा सुपीरियर है एज पर द फाइनेंस, एज पर द स्टडीज, एज पर द गुड क्वालिटीज, एज पर द डिसिप्लिन, तो आपके बच्चे के अंदर भी वो ही डिसिप्लिन संस्कार धीरे धीरे आना चालू होता है। फ्रेंड्स, जो भी ये 10 पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये जो नॉलेज आपको मिला है, ये नॉलेज किसी काम का नहीं है। आप अगर मानते हैं कि नॉलेज इज पावर, मैं आपके साथ डिफर करता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अप्लाइड नॉलेज इज पावर। ये सब जानने के बाद आपका लाइफ नहीं बदलेगा, आपका लाइफ तब बदलेगा इसको अगर आप अपने जिंदगी में उतारेंगे, इसको अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में आपको दिक्कत हो, नो पेन नो गेन। फ्रेंड्स, अगर ऐसा ही वीडियो आपको सुनना है, आप चाहते हैं, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट दीजिए, और कुछ भी टॉपिक के ऊपर आपको अगर स्पेशल वीडियो चाहिए जरूर कमेंट्स में लिख के आप भेजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी शेयर करिए। मैं विश करता हूँ कि आप हेल्दी बनो, वेल्दी बनो, और उसके साथ साथ रिच बनो। रिच नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।